प्रशासन को, बाड़मेर का आषाढ़ी कांड अब तक थमा ही नहीं था, दूसरी तरफ सर्व समाज ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा महापड़ाव शुरू कर दिया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महापड़ाव इसलिए किया गया है कि यहां पर जो आषाढ़ी का मामला हुआ, यहां पर गिराब के एसएचओ नीम सिंह को सस्पेंड किया गया और बाड़मेर एसएसपी सेल के डीवाई एसपी को एपीओ किया गया। इन लोगों की मांग है कि जो दो आदेश निकले हैं उनको बहाल किया जाए, सस्पेंड किया गया, उनको बहाल किया जाए। और पिछले कुछ समय से लगातार सरकार के जो प्रकरण हो रहे हैं उनके विरोध में यहाँ तमाम हजारों की संख्या में, इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं कि यहाँ जहाँ धरना स्थल है वो छोटा पड़ गया है। चाहे रेल की पटरियों की बात करें या फिर पीछे दीवारों के ऊपर की बात करें, तो तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर चढ़ चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। महापड़ाव बाड़मेर में किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ इसमें बाड़मेर जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान भर के अलग अलग जिलों से और गुजरात और दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और रोष मात्र इतना है कि कोई भी विद्रोह इस पूरे मामले में नहीं पहुंचना चाहिए। और इसी के राजस्थान सरकार के संख्या में यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पहुंचे हैं। लगातार जो वक्ता है वो ये संबोधन भी दे रहे हैं कि प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में जो कोजाराम की हत्या हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, गलत है, लेकिन इस पूरे मामले में एसएचओ को एपीओ किया गया है, सीओ को जो एपीओ किया गया है वो गलत है। और इस पूरे मामले में ये भी बताया गया है कि जो नीम सिंह है वो इस पूरे मामले में निर्दोष है, उनको एपीओ क्यों किया गया है। और कई नेताओं ने यहाँ तक भी इस पूरे महापड़ाव में एक घोषणा भी कर दी कि एपीओ के आदेश जब तक बहाल नहीं किए जाएंगे तब तक हमारा धरना ये जारी रहेगा। आप देखिए यहाँ पर सर्वाधिक संख्या है वो अलग अलग वर्गों की भी है, आप देखिए बुजुर्ग भी है, युवा भी है और तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस जो सर्व समाज का जो महापड़ाव है इसमें राजस्थान में अलग अलग जगहों से हर जाति के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और अपना अपना संबोधन भी दे रहे हैं। अपने आप में के रूप में ये एक ऐतिहासिक महापड़ाव किसी एसएचओ के सस्पेंड करने के बाद इतना बड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि जो लगातार गलत प्रकरण दर्ज हो रहे हैं किसी को प्रताड़ित करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी आवाज भी उठी है। पूरे महापड़ाव में ये संबोधन भी दिया है कि तमाम प्रकार के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं या फिर ये एसएचओ को सस्पेंड करने की बात है, ये गलत है। और हम लोग चाहते हैं कि बहाल किया जाए। देखिए मेरे सहयोगी से कहूंगा तमाम वो तस्वीरें भी दिखाएं, रेल की पटरियों के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं लगातार महापड़ाव पर जमे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया जाएगा, तमाम प्रकार की जो मांगे हैं वो बताई जाएगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक जो है माहौल महापड़ाव का इस तरीके का है कि यहाँ पर जबरदस्त संख्या में लोग, सकते हैं कि ये संख्या कितनी होगी, करीब करीब यहाँ पर लोग हैं तो राजस्थान से नहीं बल्कि गुजरात से भी यहाँ पर लोग लगातार महापड़ाव के जरिए कई वक्ता है बात रख रहे हैं। और अलग अलग प्रकार की तस्वीरें हैं वो आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे।